बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। जग में ज्योत जगाने एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मसल ने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़ देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया, देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ने साथ छोड़ा ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत ना हार, मन में मर ना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखी आरा वो बेचारा बेसहारा, चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। मिलिंद माधव विशेषण कीमत एक रुपया, 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 मिलिंद माधव विशेषण। सज्जनों अब एक विशेष घोषणा बाकी रह गई है। मिलिंद माधव के ग्रंथों पर निबंध लिखने के सिलसिले में परिषद ने एक इनाम की घोषणा की थी। सबसे अच्छा निबंध श्री सतीश शर्मा का चुना गया है।
अब वो परिषद का इनाम पाएंगे। सतीश, अरे सतीश सुनो तो, ऐसी भी क्या जल्दी है भाई, हम तुम्हारा मेडल तो छीन नहीं रहे। मिलिंद माधव विशेषण कीमत एक रुपया, मिलिंद माधव विशेषण कीमत एक रुपया। जीते रहो मेरे शेर। तुमने तो कमाल कर दिया सतीश, अब तो लिटरेचर की बड़ी डिग्री ले डालो और प्रोफेसर बन जाओ। सदानंद, मिलिंद माधव विशेषण कीमत एक रुपया। अरे भाई, यहाँ तुम्हारी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और तुम हवा के घोड़े पर सवार उस मामूली पेपर वाले के पीछे भागे जा रहे हो, आखिर बात क्या है? जानते हो पेपर वाला कौन है? यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होगा। जी नहीं, वो एक मामूली पेपर वाला ही है जिसकी यादगार में ये साहित्य सभा का तमाशा हो रहा है, जिसके नाम पर इनाम दिए जा रहे हैं, उसी का बेटा है वो, मिलिंद माधव का बेटा। मिलिंद माधव का बेटा। सदानंद, मैंने साहित्य सभा का इनाम पा लिया। मैंने सुना, बड़ी खुशी की बात है, मगर मास्टर जी, ये जो साहित्य सभा के अगुवे बने फिर रहे हैं, उन्हें साहित्य से कोई दिलचस्पी मालूम नहीं होती। ये मिलिंद माधव विशेषण ठीक नहीं बिक रहा। ओह, 11 बज गए, आप घर जाइए, माताजी राह देखती होंगी। तो क्या तुम न जाओगे घर खाना खाने? कम से कम खाना तो वक्त पे खाना चाहिए सदानंद। वक्त पर खाने के लिए ही तो बेवक्त काम करना पड़ता है। ये विशेषण आज ही बिक जाने चाहिए। आज की रेशमी राखी दूसरे दिन सिर्फ एक धागा बन जाती है, कल तो इन्हें कोई रद्दी के भाव भी न लेगा। आप घर जाइए, मैं आया कि आया। विशेषण कीमत एक रुपया, मिलिंद माधव विशेषण कीमत एक रुपया, मिलिंद माधव विशेषण कीमत एक रुपया। दुआ कम करो बेटे। कैसे कम करूं मां? अच्छा मां, मैं सुलगा लूंगी, तुम आराम करो अंदर जाकर। तुम्हें मेरी कसम, बड़े जोरों की भूख लगी है, खाना तो तैयार नहीं मालूम होता। अरे घबराने की क्या बात, खाने वाले को आप भी आ गए बाहर, जल्दी से खाना बना ले बेटे। खाना तो तैयार है माँ, मगर सदानंद घी लेके नहीं आया अभी तक, आता ही होगा। माफ कीजिए, देर हो गई खाने में, अभी परोस डालेगी नंदिनी। अकेली जान बेचारी क्या क्या देखे, बीमारी के कारण मुझसे रसोई का काम नहीं होता। चिंता ना करें चाची, कभी कभार ऐसा हो जाए तो उसका क्या गिरा, हमें कोई जल्दी नहीं। अभी हुआ जाता है। कहिए शर्मा जी, क्या कहती है आपकी साहित्य सभा? चाची क्यों ये नमस्कार कैसा, क्या कहीं शादी की बात पक्की कर ली है? नहीं चाची, मुझे साहित्य सभा का इनाम मिला है। चिरंजीव रहो, क्या लिखा था तुमने? नंदिनी के पिताजी के साहित्य पर निबंध लिखा था, ये रहा वो सुनहरा इनाम, देखो इस पे चाचा जी की तस्वीर बनी। जीते जी ने उनके पास पैसा आया, न वो पैसे के पीछे गए, मरने पर आज उन्हें सोने का आसन मिला। अचानक चले गए हमें इस दशा में छोड़कर। चाची, डरो मत, रोऊंगी नहीं, आंसू रोक लूंगी, मन पर काबू है,
तो क्या आंखों पर जोर न चलेगा मेरा? नंदरानी, मास्टर जी भी आ गए, इनकी थाली भी परोस लेना। खाना तैयार है माँ। जा, भूख लगी होगी। ये इसे रहने दो अपने पास, मेरी खातिर। शुरू करो मित्रों, पहले घी तो आने दो। सदानंद अभी आता ही होगा घी लेकर, उसका क्या भरोसा? भरोसा क्यों नहीं, ये लो घी, खालिस घी। थोड़ी देर हो गई, माफ करो भाइयों, देर हो गई। यहाँ तो घी के लिए खाना रुक गया था। क्या करूं, प्यारी जो बीमार हो गई। प्यारी? तुम्हारी भी कोई प्यारी है? हाँ, हमारी साइकिल पंक्चर हो गई। ये क्या, अब लाए अच्छी तरकारियां? बिकाऊ माल है, देखता हूँ अगर न बिकी तो अपने काम आ ही जाएंगी, खरीद लेंगे, कमीशन तो मुफ्त में मिलेगा। हमारी दीदी हमेशा कहा करती है कि अपने यहाँ खाने वालों के लिए अच्छी अच्छी तरकारियां लाया करो। चल, क्यों परेशान करता है बिचारी को? अरे माँ, तुम्हारी तबीयत तो अच्छी मालूम होती है। आज बहुत दिनों के बाद मैंने तुम्हें हंसते देखा। तेरी बातें ही कुछ ऐसी है पगले। पगली तो हमारी दीदी है जो मास्टर जी के लिए महंगी महंगी तरकारियां खरीद लाने को कहती है। भला बिजनेस में भी इस तरह कोई करता है? जरूर उसके मन में कुछ है। जो चाहे सो बक दिया। खामखा की दांत निकाल रहा है। अच्छा जी, तो मैं बकता हूँ जैसे कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं। जब मुरलीधर मास्टर जी बांसुरी के स्वर छेड़ते हैं तो हमारी दीदी मीरा के रूप में नाच उठती है। क्यों जी, कहीं ना पते की बात? चल चल, झूठा कहीं का। अच्छा, मैं जाता हूँ। तू क्या खाना नहीं खाएगा आज? आज ही खाऊंगा, लेकिन कल की फिक्र दूर करने के बाद, शाम को। पानी भर डालता हूँ। आपके साहित्य सभा का अधिवेशन कहाँ होगा? सुना है दिल्ली में होगा। यहाँ की सभा तो हो गई। हाँ, मिलिंद माधव साहित्य के लिए आप भी परीक्षक थे ना? हाँ तो, लेकिन मैंने मिलिंद माधव का नाम कभी ना सुना था। अजी, उनकी हर चीज पढ़ने के काबिल होती है, खासकर वो नाटक जो उन्होंने अनाथ बच्चों के बारे में लिखा है। क्यों जी, मिलिंद माधव का कोई नाम लेवा भी है? चलो खुली, जल्दी चलो, इधर आओ। इधर। अरे, मुझे लेने के लिए कोई नहीं आया। खुली, ए खुली, आया देवी जी। खुली, कहाँ है आपका सामान? Thank you.
देख रही है देवी जी? कुछ नहीं, उठा ये सामान। तकलीफ हो रही है, ज्यादा बोझ है ना। जब सर पर बोझा पड़ता है तो संभालने के सिवा और चारा ही क्या है। लाओ बैग में ले। जी नहीं, तुम कुली के लड़के नहीं जान पड़ते। जी हाँ, मैं तो कुली कलर का नहीं हूँ, लेकिन मेरा बेटा जरूर कुली कलर का कहलाएगा। चलिए टैक्सी। ये टंगोले रामनाथ, तुम यहाँ कैसे? हवा का झोंका खुशबू के साथ ही आता है। भाटो जी, बड़े वो हो तुम। देखो आज रात को नाच का प्रोग्राम है मेरा, और थिएटर का कोई आदमी मुझे लेने नहीं आया। दिन को सो जाते हैं थिएटर के आदमी। चलो बैठो। जल्दी से मेरी थाली लाओ, पेट में चूहे। क्यों न कूदेंगे, देर जो हो गई है इतनी। तो
क्या तुमने भी खाना नहीं खाया अभी तक? मैंने कितनी बार कहा दीदी कि मेरा इंतजार न किया करो, मेरा क्या भरोसा। खैर बैठो, घबराओ नहीं, जल्दी ही तुम्हारी शादी कर दूंगा। चल है। अरे फिर रोने लगी तुम? रोती कहाँ हूँ, ये तो रोज ही आंखों से पानी बह करता है। अरे फिर भूल गया, आज रात को वापसी पर तुम्हारे लिए दवा जरूर लेता हूँ। कैसी दवा? पेनिसिलिन का मरहम। हम खाके फिजूल खर्ची, मैं रात को गाय के दूध में रुई भिगो कर आंखों पर बांध लूंगी। नहीं नहीं, जब तक ठीक इलाज न होगा तुम्हारी आंखें अच्छी न होंगी, नहीं तो मास्टर जी मुझे से कहेंगे मुझे अंधी बीवी नहीं चाहिए। देखा, जीभ कट गई ना, दूसरों के बारे में अनाप शनाप बोलने से ऐसा ही होता है। जी हाँ, प्रेम करे कोई और जीभ कटे किसी की। कौन कहता है कि मैं प्रेम करती हूँ, मुझे क्या मालूम प्रेम क्या है। जी हाँ आपने सही, हम तो खूब पहचानते हैं। वो कैसे? सबूत की कोई कमी नहीं। अच्छा ये बताओ, जब सब खाने के लिए आते हैं तो मास्टर जी कोई गरम गरम चावल और ज्यादा घी क्यों? भला बिजनेस में भी इस तरह कोई घर लुटाता है? अच्छा अच्छा, ये सब उसी रोग की निशानी है। आज मुझे स्टार थिएटर जाना है, वहाँ किसी नामी नर्तकी का नाच है। तू नाच देखने जाएगा? मुझे जाना ही होगा, माँ से कह देना दीदी। अच्छा
अभ्याम रामेभ्य रामात रामारामेभ्य रामस्य रामयो रामा राम रामे रामयो रामेशु हे राम रामो रामा। चाची मैं इम्तिहान देने जा रहा हूँ। परमात्मा करे पास हो जाओ और कोई अच्छी सी नौकरी पाओ। नौकरी इतनी जल्दी कैसे मिलेगी चाची? पढ़ाई की बड़ी डिग्री के लिए 2 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। और 2 साल? जी। अच्छा अब मैं जाता हूँ। क्या दोपहर को खाना खाने ना आओगे? वहीं कुछ खा लूंगा। तो फिर अभी कुछ क्यों नहीं खा लेते? अभी भूख नहीं है। आज बहुत प्यारा गया भैया पर। खैर तुझे बाद में दूंगी। तो फिर कौन खाएगा ऐसा घी में तला हुआ? क्या माँ खाएंगी? मास्टर जी चले गए बेटी, उन्हें जल्दी जाना था इम्तिहान देने। लाओ इधर, भगवान की भेंट इस पुजारी के पेट में जाने दो। माँ कैसे निभेगी इन दोनों में? क्या मतलब? दीदी और मास्टर जी में कैसे निभेगी? पहले शादी तो हो जाए फिर मालूम होगा। शादी तो हो गई समझो, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? मजाक छोड़, तूने कभी पूछा भी है मास्टर जी से? पूछने की क्या जरूरत, अब तो देर है सिर्फ फेरों की। लेकिन मैं जीते जी उनके फेरे देख भी पाऊंगी? इधर आ मेरे पास और नजदीक। लड़की माँ बाप के सर पर बहुत बड़ा बोझ होती है। तेरे पिताजी तो चल बसे और मैं इस हालत में पड़ी हुई हूँ। मेरे जीते जी वो अपने घर चली जाए तो मैं शांति से प्राण छोड़ू। खाम खा क्यों जी बुरा करती हो माँ? दीदी की शादी और तुम्हारी जिंदगी, इन दोनों की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। अभी तुम बहुत छोटे हो मेरे दादा। ये तो मेरे बस का रोग नहीं, मैं वजन बढ़ा सकता हूँ, कद भी बढ़ा सकता हूँ, मगर उम्र बढ़ाना मेरे बस की बात नहीं। दीदी पानी चाहिए। क्या आज ही जाने की ठानी है? यहाँ और रहकर क्या करूंगा सदन? लेकिन थोड़े दिनों के बाद तो आपको यहाँ आना ही होगा। नौकरी के लिए? यहाँ नौकरी करने से मेरा कुछ ना होगा सदन, मुझे तो अपने ही कस्बे में नौकरी ढूंढनी होगी। घर की जिम्मेदारी, खैर छोड़ो इन बातों। मगर शादी के लिए तो क्या है दीदी? भैया मैं कहने आई थी 9 बज रहे हैं, तुझे डॉक्टर मुखर्जी के यहाँ नहीं जाना है? अरे हाँ मैं अभी आया मास्टर जी। मैं घर जा रहा हूँ चाची। जरा इधर आओ बैठो। बेटा अब मैं कोई दिन की मेहमान हूं, तुमने नंदिनी के बारे में क्या फैसला किया? जी मेरा कहना है कि तुम नंदिनी को अपना लो, तुम्हारी उससे शादी हो जाए,
तो मुझे चैन से मरना नसीब हो। अब तुम्हारी हाँ पर उसके नसीब का फैसला है। वो तुम्हें चाहती है और तुम उसे नहीं। चाची, ये कैसे हो सकता है? अभी तो मेरी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं, और अगर मिल भी गई तो उससे होगा क्या? तीन छोटी बहनें हैं, उनके ब्याह की जिम्मेदारी, उस पर पिताजी के कर्ज चुकाने का बोझ। नहीं नहीं, मैं आपको अपनी बातों से परेशान नहीं करूंगा। चाची, चाची मुझसे शादी करके और भी दुखी हो जाएगी। मैंने हमेशा उसके सुख की कल्पना की है, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता जब मेरा ही कोई सहारा नहीं। फिर मैं किसी का सहारा कैसे बन जाऊं? नंदिनी को पाकर कोई भी अपना भाग्य सराहेगा। आप ऐसा कीजिए, कोई अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी कर दीजिए। अच्छा, अब मैं जाता हूं, गाड़ी का वक्त हो गया। अपना ये मेडल तो लेते जाओ। नहीं नहीं, इसे रहने दो अपने ही पास। I'm
घबराओ नहीं माँ, डॉक्टर मुखर्जी आ रहे हैं, इन केला से फौरन ठीक हो जाऊं। इन्हें वापस जाने दो बेटा, अब कोई फायदा नहीं। मास्टर जी का मेडल संभाल कर रखियो, इस पर मेरे पिताजी का चित्र है, कैसे संभालेगा तू? ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत न हार, मन में मर न विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना, या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। माँ को मालिश करना भी नसीब न हुआ मुझे, बोतल वैसे ही वैसे रह गई। साहित्य सभा की तरफ से शोक सभा। देखो दीदी, ये लोग इस तरह के चलते करके हमारा दुख और बढ़ाते हैं, लोगों का देना चुकाकर हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, चाहे सामान के साथ पिताजी की किताबें ही क्यों ना बेचनी पड़े। पच्चीस रुपए तेरा आने निकलते और मेरे पास सिर्फ 20 रुपए। कोई बात नहीं, बाकी जब जी में आए दे देना। मगर मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ, यकीन रखिए जैसी मेरी कमाई होती रहेगी
वैसे ही बाकी भेज दिया करूंगा। बाकी भेजने की जरूरत नहीं, मानो मेरी पूरी रकम वसूल हो गई। जहाँ भी जाओ हमें लिखना, हम वहीं तुमको माल रवाना किया करेंगे। बहुत अच्छा, आपकी बड़ी मेहरबानी। जाओ खुश रहो, फूलो फलो। अब रहा सिर्फ घर का किराया। अब मुझे तेरा भी साथ छोड़ना होगा। चल माल कर रखियो। सदानंद, ये लो अपना किराया, हम आज ही मकान खाली कर देंगे। बोल सकती हो, मुंह नहीं थका सिर्फ पांव थक गए हैं। देखो वो रही अपनी मंजिल। कहां? उस घर में उसका मालिक बड़ा ही दयालु है, किराया तक नहीं मांगता। तेरी जान पहचान का है क्या? मेरी क्या, उसकी तो सारे जगत से जान पहचान है, सभी का मित्र है वो। तुझे तो हमेशा मजाक ही सोचता है। मजाक नहीं, मैं सच कहता हूँ दीदी, यहाँ का मालिक बहुत ही अच्छा है। पर वो है कौन? श्रीमान शिव शंकर। अरे तुम्हें वो मंदिर नहीं दिखाई देता? वहाँ सभी बिना रोक टोक के रह सकते हैं।
चलो। मंदिर 2000 वर्ष पुराना मालूम होता है। तूने कैसे जाना? इस तरह की मूर्तियाँ 2-3 हजार साल पहले की बनी हुई होती है। सतीश मास्टर जी ने मुझे ऐसा ही बताया था। भला मास्टर जी का कहा झूठ थोड़ा ही हो सकता है। चल है, फिर वही। वो देखो दीदी, बड़ी ही सुंदर जगह है, हम वही डेरा लगाएंगे। बड़े जोर की प्यास लगी है, अभी लाता हूँ पानी। लेकिन लाएगा कहाँ से? शंकर जी का मंदिर है, कहीं नजदीक ही पानी होगा। शंकर महाराज ने तो गंगा नदी को अपनी जटाओं में बांध रखा था, अभी लाया पानी। वो सन्यासी बाबा कहाँ आए? सन्यासी बाबा? हाँ हाँ, सन्यासी बाबा। मैं नहीं जानती, हम तो अभी अभी यहाँ आए हैं। वो सन्यासी बाबा तो पंचतक को पास नहीं फटकने देता। अगर किसी को देख पाता है तो लाल लाल आंखें निकालकर डंडा लेकर पीछे भागता है। उसने तुम्हें अभी देखा नहीं? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं। बाहर गया होगा, मौका अच्छा है। चलो बेर तोड़े। अरे आ गया, भागो। इतनी डरी हुई क्यों हो दीदी? ये लो पानी। कहो क्या बात है? मुझे डर लगता है भैया, उधर कोई सन्यासी बाबा है। सन्यासी बाबा? तो अच्छा हुआ, जब मैं शहर जाऊंगा तो तुम्हारी देखभाल के लिए कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। जरा देखूं तो। उधर न जाना भैया, कहते हैं वो सन्यासी बाबा बहुत बुरे मिजाज के हैं। ये कैसे हो सकता है, सन्यासी और बुरे मिजाज का? मैंने पढ़ा है जब कोई आदमी क्रोध लोभ मोह त्याग देता है तभी सन्यासी कहलाता है। मैं जरूर दर्शन करूंगा उनके। मैं कहती हूँ तुम अच्छा उधर। चाचा
कौन हो तुम? जी मैं एक अनाथ लड़का, नौकरी और रोजगार की तलाश में निकला हूँ। तो फिर क्या चाहते हो? मेरी बड़ी बहन भी है साथ मेरे, इसी मंदिर में बाहर वाले हिस्से में हम दोनों ठहरे हैं। ठहर सकते हो मगर? मगर? मगर क्या? मगर कुछ नहीं, मैं शहर जाना चाहता हूँ। जा सकते हो? चाचा जी मेरी दीदी अकेली रह जाएगी। रह सकती है लेकिन उसे अकेली रहने में बहुत डर लगता है। तो अगर आप बाहर बैठकर ऐसा ही ध्यान लगाए तो? अच्छा मैं बाहर ही बैठ जाऊंगा। तो फिर चलिए ना। चलो देखिए चाचा जी वो रही मेरी दीदी। हाँ आप घर बार छोड़ चुके हैं और मैं आपको फिर तकलीफ दे रहा हूँ। आपके सिर्फ यहाँ बैठने से ही दीदी को डर नहीं लगेगा। डरो मत दीदी, सन्यासी चाचा मान गए हैं, जब तक मैं शहर से नहीं लौटूंगा तब तक यही बैठे समाधि लगाए रहेंगे। मैं जाकर दाल चावल ले आऊं जरा। लेकिन पैसे है तुम्हारे पास? बहुत। ये देखो पैसे ही पैसे हैं, हर घर में हर रोज जरूरत रहती है इनकी, हाथों हाथ बिक जाएंगे और फिर पैसा ही पैसा। अच्छा मैं जाता हूँ। भैया एक लालटेन भी लेते आना। बेटी यहाँ लालटेन की क्या जरूरत है, ये जो सामने दिया है ये दिन रात जलता रहता है। अगर ये बुझ जाए तो? बरसों से ये जलता आ रहा है और इसी तरह जलता ही रहेगा। बवंडर उठे, आंधियां चली, बड़े बड़े तूफान आए, लेकिन ये दिया न बुझा, इसी तरह जलता रहा। अच्छा दीदी मैं जाता हूँ। मन चाह कर राखो
दीदी दीदी क्या हुआ दीदी? सांप कहाँ? वहां पर। तुमने सन्यासी चाचा से न कहा? उन्होंने भी देखा था उसे, न कुछ बोले न कुछ किया, बैठे बैठे देखा किए। मेरी ही भूल थी दीदी, जिसने घर बार छोड़ सन्यास ले लिया उसे फिर किसी प्राणी से क्या प्यार। चलो सुनो दीदी, इस शहर में एक बड़ा ही अच्छा आदमी है, उसने मुझे कमीशन पर फल और तरकारियां बेचने को कहा है। अरे फिर आंसू, न जाने तुम्हारी आंखों का इलाज कब होगा। इलाज रहने दे, पहले ये बता कि इतनी देर कहाँ था। मेरा एक ही निकट था, फट गया धोते वक्त, उसी की फिक्र में था। उसकी फिक्र न कर, मेरे पास एक सफेद साड़ी है, वही पहन ले अभी। भैया एक बात पूछूं? हाँ हाँ। सन्यासी चाचा हमसे बोलते क्यों नहीं? हमदर्दी क्या बोलने ही से जाहिर होती है, तुम भी मास्टर जी से कब बोलती थी? अच्छा अच्छा। आया रे भजी वाला, thank you।
पहचाना मुझे? आप यहाँ कैसे? यही तो रहती हूँ मैं। उस दिन तो नाच का प्रोग्राम करने गई थी वहाँ। तुम क्या यही रहते हो आजकल? जी हाँ, शहर के बाहर शिव मंदिर में, और ये बिजनेस करता हूँ। सुनो, हमारे यहाँ भी तरकारियों की जरूरत पड़ती है। और देखो, तुम किसी भी चीज का व्यापार करो, मैं तुम्हारी पहली ग्राहक हूँ। बड़ी खुशी की बात है। इस वक्त आपको क्या चाहिए? ताजी फूल गोभी। शिकारी अपने शिकार को देख। बचाओ, मुझे बचाओ। फिर डर गई? नहीं तो? तो फिर? अच्छा, याद आ गई किसी की? अरे, ये जांगिया कहां से आया? चाचा जी ने खुद ही बनाया है अपनी कफनी फाड़कर। देखा दीदी, कितने दयालु हैं सन्यासी चाचा, हमसे कितना प्रेम है उन्हें। और हम समझते हैं कि हम अनाथ हैं, लेकिन वो तो कभी कुछ बोलते ही नहीं। न सही, आकाश का चांद हमसे कहाँ बोलता है, फिर भी रात को सभी के लिए प्रकाश फैलाता है। बच्चे तो उसे चंदा मामा कहते हैं। तुम रोती हो, मेरा हौसला टूट जाता है, पैर उखड़ जाते हैं। न रो बहन, देखो तो मैं अभी आज ही मास्टर जी को खत लिख देता हूँ, कुछ दिनों में उसका जवाब भी आ जाएगा, फिर तो हंसोगी। पूज्य मास्टर जी, सतीश शर्मा। सतीश, खत घर से आया है क्या? नहीं। सदानंद, ये तो किसी पंडित का नाम मालूम होता है। अरे भाई,
एकाएक इतनी सोच भी क्यों पड़ गए? चाचा जी कुछ नहीं, एक बदमाश तुम्हारे दीदी की इज्जत पर हमला करने आया था। दीदी कहाँ है? दीदी भैया भैया मुझे आज सन्यासी चाचा ने बचा लिया। चाचा जी आखिर आप हम लोगों पर कितना उपकार करेंगे? मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। उस दिन आपने कफनी फाड़कर उसमें से मेरे लिए जांगिया बना डाला, आज मेरी दीदी को एक दुष्ट के हाथों से बचाया। चाचा जी एक बात पूछूं? क्यों नहीं। उस दिन जब सांप निकला था और दीदी उसे देखकर डर गई थी तो आप टस से मस न हुए थे, और आज? उस दिन वाला सांप उसे डसने न आया था बेटा, वो बेचारा अपना खाना ढूंढता फिरता था, लेकिन ये मनुष्य रूपी सांप एक अबला की इज्जत पर हमला करने आया था, उसका सर कुचल देना ही ठीक था। दूसरों को बचाने में आपको बड़ा आनंद मिलता है ना? भैया थाली तैयार है। आया चलिए चाचा जी आप भी थोड़ा सा खाना खा लीजिए हमारे साथ। दीदी चाचा जी के लिए भी खाना परोस लेना। बेटा मैं दूसरों के हाथ का पकाया नहीं खाता। अगर कोई श्रद्धा से खिलाए तब भी नहीं। मैं पक्का खाना नहीं खाता। फिर तो कोई सवाल ही नहीं, दीदी ने पकाया है 16 आने कच्चा होगा। चलिए ना। सदानंद तो बड़ा जिद्दी लड़का है। कौन है? मैं तार वाला हूँ, सदानंद जी के नाम तार है। लिया लेकिन नाम नहीं ले सकती, मास्टर जी का तार है ना। अरे रोने की क्या बात है, अपनी बहन की शादी में बुलाया है मास्टर जी ने, भूले नहीं है हमें। उनके मन में वही बात है जो तुम्हारे मन में है। चल किस फिक्र में हो सदानंद? फिक्र भी है और खुशी भी। यानी? आपसे एक दफा जिन मास्टर जी का जिक्र किया था ना, हाँ हाँ, उन्हीं का तार है। लगता है उनकी सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं। अब दीदी की उनके साथ शादी जरूर होगी। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन? लेकिन क्या? चाचा जी आपको दुनियादारी से अलग हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन एक बात तो आप भूले नहीं होंगे, शादी ब्याह के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है। हाँ। आजकल जो मैं काम करता हूँ उसमें तो कोई पैसा बचता नहीं,
सोचता हूँ कोई और बिजनेस कर लूँ। जरूर, इज्जत से पैसे देने वाला कोई भी धंधा बुरा नहीं। बस ठीक है, यही आपसे पूछना था। आपकी इजाजत मिली, अब शुरू नया धंधा। अरे तुम क्यों डरती हो इससे? सन्यासी चाचा की बात ही और है, उन्हें शायद नहीं पसंद आएंगी, वो तो इसे देखना भी पाप समझते हैं। तो फिर यहाँ क्यों लाया? मुर्गियाँ और मंदिर में? सन्यासी चाचा इनके साथ साथ हमें भी निकाल बाहर करेंगे। क्या है बेटा? अरे ये क्या, यहाँ मंदिर में? उस दिन आप ही ने तो इजाजत दी थी। तो क्या मैंने तुझे इन मुर्गियों के धंधे को कहा था? सब्जी तरकारी कब तक बेचता फिरूंगा? ये सोने की खाल लाया हूँ, इनसे अंडे मिलेंगे, बेचकर और मुर्गे मुर्गियाँ खरीदूंगा, इस तरह एक अच्छी खासी पोल्ट्री बना लूंगा। आप बड़े दयालु हैं, ये बहुत अच्छा बिजनेस है चाचा जी, हमारी आराम से गुजर होगी। अगर ऐसा ही करना है तो मंदिर के बाहर, यहाँ नहीं। उठा उठा उसको, उठा। शहर जाकर आता हूँ।
का दूसरा नाम है पैसा। पैसे के लिए कोई सा ही इज्जत वाला धंधा अच्छा। अच्छा बैठो माला, दो कप चाय तो ले आ। देखते हो? ओ, मेरी साड़ी अच्छी है ना? बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर। ऐसी साड़ी में मेरी दीदी बहुत ही अच्छी और सुंदर दिखेगी। तुम्हें चाहिए ऐसी साड़ी? मैं भी ऐसी साड़ी खरीदूंगा एक दिन। अगर मैं तुम्हें दे दूं ऐसी साड़ी? क्यों, किस लिए? इसलिए कि मुझे तुमसे प्रेम है। मुझसे प्रेम? हाँ, मैंने अब तक किसी को बताया नहीं, लेकिन तुम्हें बताए देती हूँ। तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो, वो भी तुम्हारी ही उम्र का है। कहाँ है आपका बेटा? आपके पास क्यों नहीं? मैं उसे अपने पास नहीं रख सकती। मैं समझा नहीं। अपने बेटे के पास रहने के लिए मुझे गरीबी में गुजर करनी पड़ेगी। तो इसमें बुराई क्या है? ये जो कुछ काम मैं कर रही हूँ अपने बेटे के होते हुए नहीं कर सकती। उसे पैसे भेज दिया करती हूँ। ऐसा क्यों करती है आप? वो तुम नहीं समझोगे। कब आओगे? जब आपका बेटा आपके पास आएगा। पगली, इधर नहीं, उधर है चूजे, तुम्हारे पांव के पास। चाचा जी, मुझे नहीं मिलते चाचा जी। बेटी, ये इधर है। अच्छा बेटी, मैं ना कराता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सी साड़ियां देखी मैंने उस दुकान में,
मगर सबसे अच्छा रंग मुझे यही पसंद आया। न जाने इस रंग को क्या कहते हैं, कौन सा रंग है ये? भैया मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधेरा ही अंधेरा छा रहा है मेरी आंखों के सामने। मेरी आंखें जाती रही, मैं अंधी हो गई भैया। अंधी? अब तक तुमसे छुपाए रखा मगर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्या करोगे इस अंधी बहन का? अंधी सदानंद, ये सब तेरा ही दोष है, तेरा ही। तू अपना और अपनी बहन का पेट भरता रहा मगर उस बिचारी की आंखों का इलाज न कर पाया। अब मास्टर जी एक अंधी के साथ कभी शादी न करेंगे। वो अंधी हो गई तेरी लापरवाही से। वो बिचारी बार बार कहती थी कि उसकी आंखों से पानी बहता है मगर उस पर तेरा खून जोश में न आया। तूने अपनी दीदी अपनी बहन का कुछ ख्याल न किया। बिन ब्याही अब बिचारी जिए या रहे उसका जीवन व्यर्थ हो गया। निर्दयी हत्यारे सदानंद, तू अपराधी है, तू अपराधी है। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घनघोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान। उस छोटे से दिए का बल मापने, तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा। चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की बाजी प्राण की बाजी प्राण की। चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। मुझे कुछ महसूस चाचा जी। जहाँ इंसान की अपनी समझ काम न करे उसे चाहिए दूसरों की समझ से काम ले। मैं बहुत दुखी हूँ चाचा जी। 7 साल का था कि पिताजी का साया सर से उड़ गया। परसों तक माता जी की बीमारी देखी, आखिर वो भी चल बसी। पैसे कमाने के लिए पेपर बेचे, अगरबत्तियां बेची, लोगों के घर पानी भरा, कुली का धंधा किया, ज्यों त्यों करके बहन के ब्याह की तैयारी में लगा था कि वो अभागिन भी अंधी हो गई। बस इसीलिए जीवन से दूर भाग रहा था। छी बेटा हिम्मत न हार, उसकी आंखों का इलाज कर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या भी उसकी आंखें ठीक हो सकती है? बेशक ठीक हो सकती है, डॉक्टरी विद्या दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। वो कोई पैदाइशी अंधी नहीं। हौसला रख, उसका इलाज कर, उसे आंखें दिलवा। जहां इतनी मुसीबतें उठाई जरा सी और तकलीफ झेल, भगवान कोई अंधा नहीं है। डॉक्टर साहब। यस। मेरी बहन की आंखें खराब हो गई, मेरे ख्याल में उनका ऑपरेशन हो जाए तो जरूर अच्छी हो जाएंगी। ऑपरेशन? किसी बड़े आदमी को साथ लेकर आओ। आदमी तो मैं ही हूँ, बड़ा कहीं या छोटा। अरे भाई ऑपरेशन पर तो बहुत खर्चा आएगा। मगर रुपए नहीं है मेरे पास। तो मेरा वक्त खराब ना करो, किसी खैराती अस्पताल में जाओ। चलो दीदी। ऑपरेशन से इनकी आंखें ठीक हो जाएंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं। मगर ऑपरेशन पर 500 रुपए खर्चा आएगा, वो लेते आना। Thank you.
आज अंडे नहीं लाया भैया कुकड़ू को? नहीं। वो देखो नोटर आ जा रही। कामयाब होगा, आप जाइए। चाचा जी, कोको, क्या बात है? अगर आपको अंडे बेचना पसंद नहीं तो मुर्गियों के बच्चे ही पालने चाहिए। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। ऑपरेशन ठीक हुआ है मेरे बच्चे, डरने की कोई बात नहीं, 10-15 दिन में तुम्हारी बहन की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद। जो बेटी, घर का कामकाज और रसोई तुम ही करती थी ना? जी हाँ। और पढ़ना लिखना? पढ़ना लिखना अब शुरू करूंगी। भैया की यही इच्छा है कि आंखें ठीक होते ही। आंखें ठीक ही समझो हैं? डॉक्टर साहब, पट्टी कब खुलेगी? मैंने कई दिनों से अपने भैया को नहीं देखा। मैं अभी तुम्हारी पट्टी खोलता हूँ और सबसे पहले तुम अपने भैया को देखोगी, हैं? भैया, मुझे दिखाई देने लगा, मेरी आंखें अच्छी हो गई भैया। मगर इन आंखों से रोना नहीं, फिर रोना ही आदमी को अंधा बना देता है। अब कभी न रोऊंगी भैया, तुम्हारी तरह हर बात को सहन कर लिया करूंगी। गुड गुड,
बेटी, अब आराम कर। सदानंद हमारे ऑफिस में आना। ऑफिस में किस लिए? फीस के लिए बुलाया होगा, और क्या? बहुत से रुपए देने पड़ेंगे ना। जो चीज अनमोल हो उसके लिए कितना कुछ ही क्यों ना देना पड़े, कम है। भगवान के दिए हुए हाथ पांव नाक आंख कान, इनकी कीमत तब मालूम होती है जब इन्हें ठीक करना पड़ता है। मैं डॉक्टर से मिलकर अभी आया दीदी। मुझे आज ही यहाँ से ले चला। पूछता हूँ डॉक्टर साहब से, वो कहेंगे तो। पोस्टमैन, क्या है? सदानंद जी के नाम की चिट्ठी। अच्छा, सदानंद जी, आपकी मास्टर जी के नाम बहुत सी चिट्ठियां मिली, लेकिन मास्टर जी यहाँ नहीं है। पिछले 15 दिनों से वो टाइफाइड से बीमार है। उनको यहाँ के धर्मानंद चैरिटेबल अस्पताल में रखा गया है। आपको मालूम ही होगा कि उनकी देखभाल करने वाला उनके घर का यहाँ कोई आदमी नहीं है। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, न जाने भगवान को क्या मंजूर है। मास्टर जी का एक मित्र रामदास। चाचा जी, चाचा जी। दीदी आ गई, इसकी आंखें ठीक हो गई। अच्छा, बस अब मास्टर जी का खत आया और हम निकले दुल्हन को लेकर। आपको भी चलना पड़ेगा चाचा जी। सदानंद चाचा जी, मैं आज इतना खुश हूँ कि कुछ कहा नहीं जाता। हमारे दुख के बादल छट गए, अब चलेगी तो हज छवा छम छवा छम। क्यों दीदी, खुश हो ना, खुश हो ना? देखा चाचा जी, अभी से भैया को दुदकारती है, बाद में क्या होगा? बाद में कब? उस वक्त जब बजेगी शहनाई। मेरी छोटी सी बहन देखो गहन पहन, ससुराल चली रे बन ठन के। हाथों में गजरा अखियों में गजरा, जरा नखरे तो देखो दुल्हन के। मेरा भैया है दीवाना, मेरा भैया है दीवाना, इसकी बातों में ना आना, झूठी बत्तियां बनाए बन बन के। पगले हैं मन के ये घड़ी घड़ी सन के, इनके पुर्जे हैं। पगले हैं मन के ये घड़ी घड़ी सन के, इनके पुर्जे हैं ढीले बचपन के। खिलाओगी जो खाना ना खिलाओगी जो खाना, तुम्हें पेट भरूंगा चोरी चोरी तोरी बातें सुन सुन के। मेरी छोटी सी बहन देखो गहन पहन, ससुराल चली रे बन ठन के। हाथों में गजरा अखियों में गजरा, जरा नखरे तो देखो दुल्हन के।
गड़गड़ोगे तुम गिड़गिड़ाओगे आगे इस बहन के। मेरी छोटी सी बहन देखो गहने पहने ससुराल चली रे बन खन के। मेरा भैया है दीवाना इसके बातों में ना आना झूठी बत्तियां बनाए बन बन के। हाथों में गजरा आँखियों में कजरा जरा नखर तो देखो दुल्हन के। पगले हैं मन के ये घड़ी घड़ी सन के इनके पुर्जे हैं ढीले बचपन के। सदान बहुत देर हो गई, जाओ कुछ खा पी लो और सो जाओ। नंदिनी के लिए देर तक जागना अच्छा नहीं, इसके आंखें अभी अभी अच्छी हुई है। हाँ हाँ चलो दीदी जाओ। चला चाचा जी बोलते क्यों नहीं आप? क्या भगवान ने आंखें बंद कर ली हैं? हुआ क्या? आखिर दुख की भी कोई हद होती है। आपको कौन सा दुख है चाचा जी? पत्र तुम्हारे आने से पहले, उस वक्त तुम दोनों इतने आनंद में थे कि उसमें बाधा डालने की मेरी हिम्मत न हुई। चाचा जी मैं इसी वक्त की गाड़ी से मास्टर जी के पास से आऊंगा। मैं दीदी को नहीं जगाऊंगा, उसे ही बात मुझसे न कही जाएगी, मैं रो पड़ूंगा। चाचा जी आपको मेरे लिए एक पाप करना पड़ेगा। बेटा तेरे लिए जो पाप करूंगा वो पुण्य से भी पवित्र होगा। आप दीदी से ये न कहिएगा कि मैं मास्टर जी को मिलने गया हूँ और वो बीमार है। ये कहिएगा आपके किसी मित्र के पास मैं बिजनेस के लिए गया हूँ।
मास्टर जी। तुम कौन हो इनके? मैं उनका बहुत ही नजदीक का। कैसी है इनकी हालत? बहुत खराब है, बेहोशी की हालत में। इधर देखो, इनकी टाइफाइड की बीमारी बहुत सीरियस हो गई है। मगर वो ठीक हो जाएंगे ना? सच पूछो तो उनकी हालत ठीक नहीं है। हमने जितना हो सकता था उनका इलाज किया, मगर ये खैराती अस्पताल है, यहाँ हम कीमती दवाइयाँ नहीं दे सकते। अगर उनको क्लोरोमाइसेटिन की दवा मिल जाए तो। कौन सी दवा? क्लोरोमाइसेटिन? हाँ, एक शीशी की कीमत 16-17 रुपए है। 16-17 रुपए? वैसे 4 शीशियों की जरूरत पड़ेगी। 4 शीशियाँ? हाँ, मरीज को अगर ये दवा जल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ ना सका। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ ना सका। उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर, पर टूटी नहीं डोर। उसने पीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस। उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दो दो गोलियां 4-4 घंटे के बाद देती रहना जी। भूलना नहीं, कल शाम तक यह शीशी खत्म हो जाएगी। कल शाम को मैं दूसरी शीशी ले आऊंगा। अच्छा, चिट्ठी आई है। अच्छा, देखूं तो? अब मैं पढ़ सकती हूँ, सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ। तुम्हें जल्दी चिट्ठी न लिख सका, कुछ बिजनेस ही ऐसा है। तुम चिंता न करना, मुझे यहाँ किसी किस्म की परेशानी नहीं। बड़े मजे में हूँ, खा पी कर गोल गप्पा हो रहा हूँ, नींद भी खूब आती है। तुम भी मजे में रहो, मैं बिजनेस पूरा करके ही आऊँगा। सन्यासी चाचा को मेरा प्रणाम। उन्हें कहना कि मेरी कामयाबी के लिए उनके आशीर्वाद की बहुत बहुत जरूरत है। तुम्हारा भैया सदानंद। सुना चाचा जी? हाँ बेटी, मेरा आशीर्वाद तो उसके साथ है ही। सदानंद,
कौन हो तुम? एक नाचने गाने वाली। नाचने गाने वाली? यहाँ क्यों आई? सदानंद से मिलने। वो तो बाहर गया हुआ है। मुझे उससे जरूरी मिलना था। खैर, जब वो आए तो उससे कह दीजिएगा कि अलका अपने बेटे के पास चली गई है, और ये भी कहिएगा कि उसके कारण एक बुरी औरत का जीवन सुधर गया। सदानंद के क्या कहने, लेकिन अपने रोशनी से सबको राह दिखाने वाला क्या करता होगा वहां अकेला? आप क्यों सोच में पड़ गए चाचा जी? वो तो वहां बड़े मजे में है। आपने सुना नहीं? देखिए इस चिट्ठी में क्या लिखा है। बड़े मजे में हूँ, खा पी कर गोलगप्पा हो रहा हूँ, नींद भी खूब आती है। क्लोरोमाइसिटिन का कोई फायदा नहीं हुआ। नब्ज़ बहुत कमजोर है। आज की रात कटनी कठिन है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? अब भगवान ही इनके प्राण बचा सकते हैं। डॉक्टर, बेड नंबर 9 का मरीज बहुत बेचैन हो रहा है। ऐसा है? भगवान मास्टर जी के प्राण बचा ले, मेरी दीदी के लिए मास्टर जी के प्राण बचा ले। भगवान, तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आज मैं तुझसे भी लड़ूंगा, तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। भगवान, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। बात तुम्हें रखनी पड़ेगी, मेरी बात
हमने तो सुना है बड़ों के मुख से अपने बालकों से तुमको भी प्यार है। हमने तो सुना है बड़ों के मुख से अपने बालकों से तुमको भी प्यार है। फिर क्यों भूलते हो सबके पिता, फिर क्यों भूलते का अब इनकी नब्स नॉर्मल होने लगी, डरने की कोई बात नहीं। डॉक्टर कौन? सदानंद। चाचा जी, चाचा जी, मैं बारात लेकर आया हूँ। अच्छा, दीदी कहाँ है? भैया वो देखो, रो मत, नहीं तो बारात वापस चली जाएगी, फिर मुझसे ना कहना। हाँ जल्दी कीजिए दुल्हा साहब, कहीं हमारी छुई मुसी दुल्हन मारे लाज की मुरझा न जाए। मेडल, आज इसके सिवा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, इसे संभाल के रखना। अरे ये क्या कर रही हो, मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ। बेटा, तुम्हारा छोटापन तो इतना बड़ा है कि तुम्हारे पग छूने में बड़ों की बड़ाई है। सदाना, तू भी चल हमारे साथ। नहीं, मैं अपना बोझ किसी पर नहीं डालना चाहता। अब मैं और मेरा बिजनेस, मेरा धंधा, मेरी पढ़ाई, मगर हर साल भैया दूज के रोज जरूर आया करूंगा। चलो बेटी,
आओ बेटी, गाड़ी का वक्त हो गया। चलो दीदी। मैं अकेला रह गया चाचा जी, दीदी चली गई अपने घर, मैं अकेला रह गया। अकेला मैं चुप तेरा बेटा, तूने एक सन्यासी को संसारी बना दिया, अब मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा। चाचा जी, बेटा तेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है, तेरे हाथों से देश के बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं। सर पटक पटक, पग झटक झटक, ना हटा पाया दिए को अपनी आन से, वार बार बार कर अंत में हार कर, तूफान भगा दे मैदान से, अत्याचार से उभर जली ज्योत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to TV Next Bollywood.